नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूपी लेखपाल 2015 का पेपर मैथमेटिक्स का मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले दो वीडियो आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक और वीडियो इसका आने वाला है और लेखपाल संबंधित जो भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एक वीडियो और बाकी है क्योंकि दोनों सब्जेक्टों के पेपर मैथमेटिक्स में यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, दो संख्याओं का लासा 520 है और उनका मासा 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू SCF। क्लियर हुआ? देखिए, एक संख्या यहाँ पर 52 है तो मैं यहाँ पर 52 लिख देता हूँ, सेकेंड मुझे पता करनी है और LCM आपका 520 है और SCF आपका 4 है। ठीक है, तो ये 52 आपका यहाँ पर सेकंड जब मैं निकालूंगा तो 52 आपका नीचे आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका 10 टाइम्स जाएगा, 10 फोर या 40, तो 40 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइडें समान होती है। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। इस पे मैं क्या करता हूँ, समलंब डालता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों, ये जो पूरी साइड है ये इसको दो भागों में इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये 2 हो गया, ये 2। और देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक, आप मान लीजिए मैंने एक समलंब डाला जो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो अब ये आपका राइट एंगल हो गया, ये बना पूरा राइट एंगल हो गया, ये भी आपका राइट एंगल हो गया। किसी एक से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, मींस कर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। ठीक है, लंब मींस यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये आपका बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस इस लंब का, इसको मैं एच मान लेता हूँ, इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस तरह से हो जाएगा आपका ये राइट एंगल, आप लोगों को पता होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर देखिएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर, ये 4 आपका इस तरफ जाएगा, तो 16 माइनस 4 आपका 12 निकल के आएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3 बनेगा, तो ये 2 आपका बाहर निकल के आ जाएगा रूट से। ठीक है, और अंदर आपका 3 ही बचा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपये मिले, तब ए को कितना लाभ मिला? देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, बी है और सी है। क्लियर हुआ? ए को 1/3 मिला है, बी को 1/4 मिला है और सी को 5000 रुपये मिले हैं। देखिए यहाँ पर इनको रुपए दिए गए, यहाँ पर इनको हिस्सा दिया गया, मीन्स भाग दिया गया, कुछ इसको हिस्सा दिया गया, तो क्यों ना हम ए को पहले जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जो हिस्सा बचा होगा वो सी का होगा। तो देखिए इसको मैंने एलसीएम लिया 12, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 3 × 12 और 4 × 3 = 12, मीन 7/12। मैंने जब भी इस तरह से सवाल लगाए हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो टोटल होता है, ऊपर वाला होता है वो, ये टोटल में से जो हिस्सा मिला होता है वो होता है। देखिए ए और बी को 7 मिला है, टोटल 12 है, तो आपका कितना बचा, टोटल 12 है, 7 ए बी का है, तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5/12 आपका सी का बचा होगा। यही 5, यही 5 ऊपर वाला किसके बराबर है, 5000 के। क्लियर हुआ? देखिए कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, तो ये भी कितने टाइम्स होगा, टोटल वाला 1000 टाइम्स होगा, मीन्स 12000। टोटल लाभ जो है वो कितना है, 12000 है, ये निकल के मैंने आ गया, टोटल निकल के आ गया। क्या पूछा आपसे, तब ए का हिस्सा कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 1/3, बस इसका 1/3 आप निकाल दीजिए, 3 × 12, 4000 आपका ए का निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, कितना इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कुल बच्चे एक्स थे, क्लियर हुआ, कुल बच्चे एक्स थे, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ संख्या बच्चों की कुल संख्या के
20%, मान लीजिए इसका क्या है 20%, जो कि बराबर कितना है 720 के, इतनी मिली है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 100 इसकी मैं यहाँ पे काट देता हूँ, अब 100 ये 10 आपका यहाँ पर जाएगा, जीरो लग जाएगा, दो से इसको काटेंगे तो आपका 3600 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600, यहाँ से इसको हटेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया आपका 60, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी 60। अब कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो 720 था ना, बच्चे 60 थे, देखिए 12 6 72, प्रत्येक बच्चे को 12 12 मिठाइयाँ मिली। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन भिन्न भिन्न पात्रों में मात्राओं में दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर हैं, बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होगा जिससे सभी भिन्न 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 मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। देखिए जब भी आपसे पूछा जाता है बड़े से बड़ा मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर हो गया, मीन्स ऐसी आपसे मासा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है मासा। अब देखिए मासा निकालने के लिए 403 है आपका, आपका 434 है और 465 है, आप ये बताइएगा कि अगर हम मासा निकालने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे ये भी आप लोग देखिएगा, इन सभी नंबर, अगर ये मासा होगा कोई भी, अगर इसका मासा है तो इसको सभी नंबरों को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो हम देखें क्यों ना हम शुरुआत करते हैं 51 से, 51 से अगर शुरुआत करें यहाँ पर आप देखेंगे तो 58 या 40 होगा ना, तो 8 जैसे अगर देखेंगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये तो नहीं होने वाला क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 41 को देखते हैं, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, देखिए हम कैसे करेंगे इसको, अगर 41 को 1 टाइम डालेंगे तो ये नहीं होगा जब, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 4 10 जा 40, 10 टाइम्स नहीं होगा, 9 टाइम देखेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 1 9 9 6 36, नहीं हो रहा है, 10 टाइम्स भी हो रहा और 9 टाइम्स ये भी नहीं होगा। 31 को देखते हैं, देखिए 13 का अगर देखें 40, 13 3 39, 13 1 13, 13 3 39, ये तो इसको काट गया। अब जरा इसको भी हम लोग देखते हैं, अगर देखेंगे हम इसको 4 3 4 को, क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसलिए कोई भी इसका सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको चेक ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1, देखिए 4 1 4 4 3 12, ये भी कट गया। इसको जरा देखेंगे बहुत तेज़ी से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जरा देखना 31 बंदा 31, क्या बचा 5 बचा आपका, 1 बचा 5 बचा, देखिए 5 1 5 5 3 15, वेरी गुड, ये आपका हो गया 31 हो गया आपका पास, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी इसको हम सॉल्व करेंगे, बस आपको डिवाइड करना है, इसको लेंगे तीनों में डिवाइड नहीं करेंगे, पहले से नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इसको इससे करेंगे पहले नहीं हो रहा है इसको भी छोड़ दिए, सभी में चेक नहीं करना है, इसको देखेंगे इसमें हुआ तो जल्दी जल्दी हम इसको भी चेक कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या इसका एक तरीका और है, आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, जब भी इस तरह सवाल आते हैं इसका इसका आप डिफरेंस निकालिए, इसका इसका डिफरेंस निकाल देखिए 4 3 4, जब आप 4 0 3 करेंगे आप ज़रा देखेंगे क्या डिफरेंस आया 31। अब इसका इसका अंतर निकालिए 4 6 5 4 3 4 1 3, देखिए क्या अंतर निकल के आ रहा है 31 31, तो आपको डिवाइड भी नहीं करना है, आपका ऐसे ही आंसर निकल के आ जाएगा। जब भी बड़े नंबर हो आप डिफरेंस निकालिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाए तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ लेट पी इज कल टू कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। और देखिए मैं रेट मान लेता हूँ, अभी मान लीजिए एक्स परसेंट है मेरे पास, रेट क्या है एक्स परसेंट है, तो 2 वर्षों के लिए हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2x, क्योंकि आपको 2 वर्षों के लिए एक्स परसेंट पर ब्याज मिला कितना 2% मिल गया, क्लियर हुआ, ठीक है। यदि 3 उच्चतर दर पर थोड़ा और ज़्यादा दिया तो हम क्या मानेंगे, अभी मैंने जो x माना था अब x परसेंट ना मिलके अब मुझे कितना मिल रहा है x प्लस 3 मिल रहा है, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ देखेंगे 2x प्लस 6 ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब पहले मुझे 2 वर्षों में 2x% मिल रहा था, अब 2x% प्लस 6% मुझे ब्याज मिल रहा है, तो ये अतिरिक्त तो मिल रहा है क्यों, क्योंकि हमने 3% उच्चतर
दर पे अब ब्याज मिल रहा है, तो इसका जो अंतर होगा कि इसी अंतर की वजह से मुझे 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 2x% प्लस 6x% माइनस ये जो अधिक मिल रहा है वो वही तो मिल रहा है 300 रुपये के बराबर। पहले 2x मिल रहा था 2 वर्ष के लिए x परसेंट के हिसाब से, अब परसेंट मैंने रेट जो है 3% और बढ़ा दिया, तो x प्लस 3 हो गया, पहले x था अब 3 हो गया, 2 की वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आएगा ये अधिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये पहले था, तो 300 रुपये अधिक मिल रहा है, तो हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो इतने परसेंट के बराबर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 6%, तो 6% बराबर 300, तो 1% बराबर आपका 50 आ जाएगा। और मूलधन मैंने देखो कितना माना था, 100% माना, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 1% बराबर 50 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5000, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सक्षम सम चतुर्भुज क्षेत्रफल 500 मीटर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सम चतुर्भुज, ठीक है, इक्वल टू ये आपका होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इसे कहते हैं विकर्ण, ठीक है। चलिए तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, देखिए 500 है आपका ऑलरेडी, 1/2 डायगोनल 1 आपका है 25, डायगोनल 2 की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा बराबर d2। क्लियर हो गया, 25 × 50 20 × 40 विकर्ण की लंबाई आपकी 40 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बहुलक। ये तो बहुत इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की, रेलगाड़ी द्वारा तय की यात्रा दूरी क्या है, ठीक है। देखिए हवाई जहाज वाला 2/5 भाग था, जो उसने हवाई जहाज से तय की उसका 2/5 भाग थी, मैंने बोला ये भाग टोटल हो गया, ये भाग जो रेलगाड़ी वाला है वो हो गया, जो कि बराबर कितने का है 1200 के। ये देखिए कितने टाइम्स है, ये 600 टाइम्स है, तो ये भी आपका कितने टाइम्स होगा, 600 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 6×5 = 30, 3000 किलोमीटर जो यात्रा है वो आपकी टोटल हो गई। इसमें क्या कह रहे हैं, उसने कुल यात्रा का, कुल यात्रा कितनी है 3000, इसका 1/3 भाग कार के द्वारा किया, मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा 1000। देखिए ये आपका कार द्वारा हो गया, ये आपका हवाई जहाज द्वारा हो गया, पूछ रहे हैं कि बताइए शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की, ठीक है, टोटल कितना था, सॉरी दोस्तों ये नहीं हवाई जहाज वाला, ये तो आपका टोटल हो गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका हवाई जहाज वाला 1200, कार वाला 1000, टोटल आपका 3000 है। अब देखिए टोटल 3000 है, क्लियर हुआ ना, इसमें से आपका हवाई जहाज वाला 1200 है ना, और कार वाला आपका 1000 है ना, तो आप देखिए इन्होंने 2200 आपका इसमें कार है और हवाई जहाज है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना बचा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका 800 बचेगा, कितना बचेगा 800, तो 800 इन्होंने रेलगाड़ी द्वारा यात्रा तय की, समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों आपका, 3 संख्याओं का योगफल 392 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और दूसरे के तीसरे का 5/8, तो पहली संख्या बताइए। देखिए ए बी, या कह सकते हैं पहली और फिर से दूसरी और सी, या ठीक है ये मान ली पहली, ये दूसरी या तीसरी, तो इस तरह से जो रेशियो होता है, मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जब इस तरह से दिया जाता है हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2×5 = 10, 5×3 = 15 और 8×3 = 24, क्लियर हो गया ना, तो इनका जगह सम देखेंगे तो 4, 5, 9 और 2, 4, ये टोटल आपका हो गया ना, टोटल वैल्यू आप कितनी देखिए, ये देखिए 392। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसकी वैल्यू दी जाए उसका आप डिवाइड करेंगे और जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसका भाग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितने टाइम्स होगा जरा आप देखिएगा, 8 टाइम्स देखें ना, 8×72, 8×6 = 32 और 7 = 39, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स हुआ ना,
बस आप कुछ नहीं करना, जो जिसका आपको पूछा जाए, किसका पूछा गया, देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, ये थी, ये भी 8 टाइम है, तो ये भी आपका 8 टाइम होगा, और ये भी आपका 8 टाइम, अगर दूसरी वाली पूछी जाती, तीसरी वाली पूछी जाए, तो इसका भी 8 टाइम, तो 10 8 80, बस ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट और आएगा जो भी आप लोग देखिएगा, और पूरा मैथमेटिक्स आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका लेखपाल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो 2015 में पूछा गया था, ठीक है। ऑल द बेस्ट।